हाय फ्रेंड्स, मैं धनित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार धनित यादव पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि RRC द्वारा रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ गई है और इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि घर बैठे बैठे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप से फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और फॉर्म फिलअप करते समय आपसे एक भी गलती ना हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय गलती करिएगा तो फॉर्म यहाँ पर आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि रेलवे भर्ती या अदर गवर्नमेंट जॉब की जो ज़्यादा ज़रूरी होती है वो नोटिफिकेशन आपको समय से देते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने RRB अहमदाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद का अप्लाई ओपन किया है तो मैं अहमदाबाद में ही अप्लाई करूँगा। ओके, अहमदाबाद से भी मतलब किसी भी जोन में कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसी वेबसाइट का। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे जाना है ऐसे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको 7वें केंद्रीय वेतन आयोग मैट्रिक के स्तर पर लेवल 1 के पदों की, मतलब 4 वायरस पोस्ट इन लेवल 1 7 PC पे मैट्रिक्स। इस पर आपको नीचे आना है ऐसे। तो यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, निश्चित रहिएगा वीडियो को शुरू से लेकर जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ले चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पर लोग क्लिक हेयर टू अप्लाई क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डेट दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है। तो 12 मार्च 2019 को 5 बजे शाम से हो रहा है और इसका लास्ट डेट जो है 12 अप्रैल 2019 तक होगा। ठीक है, 12 अप्रैल 2019 को रात को 11:59 तक होगा। ठीक है, और क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं 26 अप्रैल 2019 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे इधर ये सब पढ़ के यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन से ही मैं बताऊँगा शुरुआत से। ठीक है, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है, मैं कर देता हूँ। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब ये पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछेगा आपका कि कम्युनिटी, मतलब आप किस कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। कम्युनिटी में होता है जाति। तो देखिए यहाँ से, तो जैसा कि मैं यहाँ पे आप जो भी होंगे अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे मैं OBC चीज कर लेता हूँ। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर OBC 2 का। ठीक है, एक एक सर्विसमैन, मतलब आप रिटायर्ड मतलब हैं कहीं से सर्विसमैन हैं तो यस हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, मतलब अप्रेंटिस आपने कर रखा है तो यस करें, नहीं तो नो। ठीक है, तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ, अगर किए होंगे तो यस पर क्लिक करिएगा। PWD, अगर आप PWD हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, इसके बाद आपको देख रहेंगे आप यहाँ पे कि आई डू नॉट वॉन्ट टू सर्च वैकेंसीज, आई कन्फर्म डैट आई हैव गॉन थ्रू द वैकेंसीज टेबल, आई वॉन्ट टू अप्लाई डायरेक्टली। मतलब आपने जो पोस्ट पैरामीटर पढ़ लिया है, मतलब यहाँ ऊपर ही लिख रहा हुआ है। ठीक है, पोस्ट पैरामीटर जो आपने मतलब अपना कन्फर्म कर लिया है कि मैं इसी जोन में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे जा चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं अभी देखा हुआ टाइम टेबल तो यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है, जो नहीं देखे हैं उनके लिए। ठीक है, जो देख लिए हैं कि मतलब मुझे यहाँ मतलब कोलकाता में ऑनलाइन करना है, मुंबई में ऑनलाइन करना है, मतलब जहाँ ऑनलाइन करना हो तो आप कन्फर्म हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ टिक करके चले जाना है। नहीं तो यहाँ पर जो नहीं देखे हुए हैं अभी वैकेंसी, अगर आप अभी वैकेंसी नहीं देखे हुए हैं तो नीचे आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे, देखिए देखिए सेंट्रल रेलवे में दिया हुआ है यहाँ पे किसके लिए कितना पोस्ट है। यहाँ यहाँ आपका कम्युनिटी दिया हुआ है और किसके लिए कितना पोस्ट है नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब टोटल पोस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2656 OBC के लिए है, जनरल के लिए 3597 है, SC के लिए 1398 है और ST के लिए 769 है। ओके, ये सब पूरा दिया हुआ है नीचे, सारे जोन ऑल जोन का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, अगर देख लिए होंगे तो यहाँ पर अब आपको आ जाना है, यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक करके आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बिफोर यू सेलेक्ट द रेलवे प्लीज़ गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर एंड द रेलवे वाइज वैकेंसीज।
टू एसरटेन द एलिजिबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एज पर योर एलिजिबिलिटी, मतलब आपको ये कह रहा है कि आप सबसे पहले आप पोस्ट पैरामीटर देख लीजिए अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार, कि मतलब आपकी योग्यता अनुसार कौन सी पोस्ट आपके लिए किस जोन में अच्छी है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ नोट डैट रेलवे वंस सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब आप एक ही बार चूज कर सकते हैं या आप किसी एक ही बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार कर दिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से आप लोग वहाँ से पता कर ही लेंगे कि कहाँ मतलब अप्लाई करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि मतलब यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जहाँ भी कोलकाता में करना है, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे और साउथ रेलवे दोनों है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको इच्छा करें या जहाँ आपको मतलब चूज कर लें कि यहाँ अप्लाई करना है वहीं पर क्लिक करें, जैसे मैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब आप अपना कोई भी बोर्ड चूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यू हैव सेलेक्टेड, आपका नाम लिखेगा जिस बोर्ड में आप मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, मतलब आप सेलेक्ट किए हैं मुंबई बोर्ड को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। यू विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई रेलवे आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ओके। तो मैं मॉडिफाई भी नहीं करना चाहता, अगर आप चेंज करना चाहते हैं दोनों पर क्लिक करें, अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसी पर आपको यस कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ मैं। दोस्तों जैसा है, मैं NTPC का भी मतलब कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया हूँ, तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से NTPC वाला भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट 31 मार्च तक है। अब देखिए, जब आप कंफर्म कर देंगे तो आपको निर्देशन, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से इस पर क्लिक करके आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश में तो ऐसे आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में भी कर सकते हैं यहाँ से निर्देशन पर, ठीक है। यहाँ पर हिंदी हो गया, तो इस इंस्ट्रक्शन को 1 मिनट रुक करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं अब इस पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ 6 नंबर में इंपोर्टेंट है, स्क्रीन पर अप्लाई या मतलब ये सब फॉर्म जमा करने के पहले सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही ढंग से भरी हुई है। जमा करने के बाद प्रत्येक बार 100 रुपया भुगतान करके अधिकतम 2 बार संशोधन किया जा सकता है, मतलब आपको बोर्ड नहीं चेंज होगा पर मतलब आप नाम पता मतलब ये सब चेंज कर सकते हैं, पर केवल 2 बार, वो भी 100 100 रुपया का फाइन भर करके, ठीक है। तो मतलब वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ऐसी स्थिति नहीं आएगी, तो ध्यान से पूर्वक फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ओके। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा पर इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सभी निर्देशों का भली भांति समझ लिया, तो इस पर आपको टिक कर देना है, टिक करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, या सबमिट पर, ठीक है। मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सेलेक्ट रेलवे, मतलब जो रेलवे आपने चूज किया हो तो पहले से दिखाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो कि 10th क्लास में आपका मतलब जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उस पर है, ठीक है। उस वही नाम डालना है, नाम यहाँ पे और बिग लेटर में ही अप्लाई करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख रहा है, एक बात लिख रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार के ने अधिसूचना के दिए सभी मापदंडों को पूरा कर लिया है और आवेदन बाद की जाँच के अधीन है, और किसी भी समय अयोग्य पाए जाने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। मतलब आप में ऐसा नहीं है कि मतलब ये मतलब कि सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, आपका ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पे भी आपको छाट सकता है, आप में कुछ भी त्रुटियाँ देखेगा वो छाट सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप सही सही अपना डालें, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे री इंटर्न है मतलब वही नाम डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर, यहाँ आधार कार्ड का नंबर डालना है, जो यह रेड कलर करके मतलब स्टार मार्क मारा हुआ है उसको भरना अनिवार्य है, ठीक है। तो आधार कार्ड का भरना अनिवार्य तो नहीं है पर भरना जरूरी है, ठीक है, भर सकते हैं। यहाँ आधार कार्ड देना है, आधार संख्या देना है, यहाँ पिता का नाम, यहाँ माँ का नाम, यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब जो आप किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ 10th किए हैं या ITI किए हैं, ठीक है। तो उसमें दोनों से कोई एक चीज़ करें, ITI वाले ITI चीज़ करें और 10th वाले 10th करें, ठीक है। यहाँ पे 10th बोर्ड का मतलब पूछ रहा है कि मतलब किससे किए हुए हैं, स्टेट बोर्ड से किए हुए हैं, अदर किसी से भी किए हुए हैं तो उसको चूज करना है। यहाँ 10th क्लास का जो आपका रोल नंबर है वो डालना है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी हो तो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग मतलब किस वर्ष आप पास ही हुए हैं, तो इस पर आपको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे देगा, आपका जो जिस वर्ष भी पास हुए होंगे वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो कि मोबाइल नंबर अभी चालू हो, ठीक है, क्योंकि उस पर OTP शायद आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से दोबारा मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ से दोबारा ईमेल आईडी डालना है, फिर ये कैप्चा यहाँ फिल कर करके जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा और फिल करके के इस पर आपको टिक कर यहाँ जमा सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके। तो मैं फिल कर ले रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम, ये सब डेट ऑफ बर्थ,
आधार नंबर, पिता का नाम, माता जी का नाम, ये सब मतलब न्यूनतम क्वालिफिकेशन, किस बोर्ड से पास किया, स्टेट बोर्ड, ये सब, रोल नंबर 10th का, जिस बोर्ड पास किया हूँ वो सब, मोबाइल नंबर, फिर से दोबारा मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, फिर दोबारा ईमेल आईडी, और ये कैप्चा लिख करके यहाँ पे फिल करके यहाँ टिक कर दिया हूँ। अब इस पर सबमिट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ऊपर कि मैंने अपना पूरा डिटेल्स फिल कर लिया है, तो उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। उसको ध्यान सावधानी पूर्वक आप एक बार फिर से मिला लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं है। उसके बाद इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट हिंदी में लिखा हुआ है जमा, तो मैंने मिला लिया है। अब इस सबमिट पर मैं क्लिक कर लूँगा, ठीक है। सबमिट पर क्लिक, तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से दोबारा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फादर्स नेम, मतलब ये सब डिटेल आपके सामने दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि सही है तो कन्फर्म पर क्लिक करें, अन्यथा फिर से एडिट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं, मेरा सही है इसलिए मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर कंफर्म पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूँ, मतलब क्लिक कर देना। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और योर पासवर्ड ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ये देखिए, इसका कोड है 126, मुंबई बोर्ड में जो है वेस्टर्न रेलवे में, आपको 2,20,439 अभी तक फॉर्म फिल हो चुके हैं, ओके। तो आपको अब यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाता है, तो आपका जो ओके पर क्लिक करेंगे जब, तो आपको यहाँ ईमेल ओटीपी, जो ईमेल आईडी डाले हैं उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर भी एक ओटीपी आएगा, तो उस पर वो यहाँ पर डाल करके यहाँ सिक्योरिटी कोड जो यह है कैप्चा, इसको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसको फिल करके वैलिडेट कर देना है, ठीक है। वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं अपना फिल कर ले रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब ये सब ओटीपी आपको मैं फिल करके एक अच्छा फिल कर रहा हूँ, आप वैलिडेट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। वैलिडेट पर क्लिक कर देना है आपको। तो जब आप वैलिडेट पर क्लिक मतलब कर देंगे वैलिडेट पर क्लिक, तो आपके सामने आपका नाम और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, दिखाएगा। नीचे आने के देखिए, नीचे आना है यहाँ पे आपको अप्लाई या एडिट, मतलब इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको शैक्षणिक योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन मांगे, तो क्वालिफिकेशन पर आपको देखिए सेलेक्ट कर लेना है। तो SLC जो है साउथ में रहते हैं SLC बोलते हैं, मेट्रिकुलेशन या 10th, आपको दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं 10th कर ले रहा हूँ। नेशनलिटी आपको चूज कर लेना है, जो भी हो इसमें से। यहाँ पे कम्युनिटी आपका चीज कर लेना है, जैसे कि OBC, नॉन क्रिमिनल मेरा है। तो जब आप नॉन क्रिमिनल पर क्लिक करेंगे तो आपको कन्फर्म मतलब यहाँ कुछ पूछेगा कि मतलब आप कन्फर्म हैं कि आप नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं, तो मैं कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। तो अब आपको यहाँ पर स्टेट, अगर ये OBC नॉन क्रिमिनल है तो आपके लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन क्रिमिनल के बाद आपको मतलब जो भी आप करेंगे तब के मतलब OBC मतलब जो आपको छूट मिलने वाली है, तो इसलिए आपको पूछा जाएगा। स्टेट आपका पूछा जाएगा यहाँ पे, कास्ट, जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक है। मैं फिल कर ले रहा हूँ। यहाँ पर अपना जेंडर चूज कर लेना है, कोई भी हो, मेल हो पुरुष हो तो मेल, और फीमेल स्त्री हो तो फीमेल। रिलीजन आपका धर्म यहाँ पर चूज कर लेना है, जैसे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, तो आपको दिया गया है, ठीक है। नीचे क्या आप PWBD हैं, तो यस, अगर हैं तो यस पर टिक करें, नहीं तो नो। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं मतलब एक सर्विस मैन हैं, तो यस नहीं तो नो, ठीक है। क्या आप अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस कोर्स पूरा कर लिया है, अप्रेंटिस कोर्स जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं वो कर लिए हो, तो ही यस करें, नहीं तो नो, पूरा हो चुका है उत्तम। क्या ये आप केंद्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र इकाई कर्मचारी कर्मचारी हैं, तो यस नहीं तो नो। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा पूछा जाएगा कि मतलब किस में है, किस स्टेट में है, क्या है, यह सब पूछा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नो क्लिक करें, ज़्यादातर लोग तो नहीं ही होंगे। क्या ये आप आयु छूट श्रेणियों से संबंधित हैं, मतलब संबंधित हैं कि इसके दौरान मतलब 1/1980 से 31/12/1979 के दौरान जम्मू कश्मीर में डोमिसील किया गया, मतलब आप जम्मू कश्मीर से इसके बीच रहे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, तो नो। सेवारत रेलवे कर्मचारी, क्या आप रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो हैं तो यस नहीं तो नो। रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों में कर्मचारी हैं, यस तो यस नहीं तो नो, अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, अगर आपकी मतलब जो अगर आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले, अगर हिंदी में तो हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपकी अगर आय 50,000 से कम है तभी EBC चूज करें, ठीक है, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। 50,000 से आय नीचे है तो यस करें, नहीं तो नो करें। ये सब
टिक करने के बाद आपको एक बार फिर से मिला लीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा देख करके यहाँ पे फिल कर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैं पूरा फिल कर लिया हूँ, तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा लिखा मिलेगा कि प्लीज़ कन्फर्म डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट, मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सही है। वन सबमिटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड, मतलब आप लोग एक बार सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद सब एडिट नहीं कर सकते हैं। इट कैन डू नॉट बी एडिटेड, मतलब इन केस ऑफ द एडिटिंग आफ्टर सबमिशन यू हैव टू मेक मॉडिफिकेशन फी ऑफ 100, मतलब अगर आप एडिट करना चाहते हैं सबमिशन करने के बाद तो 100 रुपये चार्ज लगेगा, वो भी दो बार ही कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आप मिला लीजिएगा, सही है तो सही है, ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने आएगा पोस्ट परफॉर्मेंस, मतलब पोस्ट परफॉर्मेंस आपको चूज करना है, ठीक है। इसमें आपको ऐसा करना है कि जिस भी पोस्ट को आपको अच्छा लगे, मतलब लगे कि ये पोस्ट कर सकता हूँ, ये हमारे लिए अच्छा है, तो उस पोस्ट के सामने एक नंबर डाल देना है, ठीक है। जैसे कि ये है, देखिए ट्रैफिक है, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं अपने जो कम्युनिटी है आपकी, वो तो कम्युनिटी के अनुसार कि मेरे कम्युनिटी में कितना है। जैसे OBC मेरा है तो OBC में मैं देखूँगा, असिस्टेंट व्हाट्सअप में 204 है, अगर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर एक डालूँगा, ठीक है। उसी अनुसार मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से एक, फिर उससे कम है तो दो, ऐसे नंबर डालते जाना है, ठीक है। इसमें 17 पोस्ट हैं तो 17 पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं पे आपको कम्युनिटी मतलब पोस्ट पर डाल देना है कि एक नंबर पर रहेगा, सेकंड पर, थर्ड पर, ऐसे करते चल देना है, ठीक है। जैसा कि मैं फिल कर ले रहा हूँ अपना, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पोस्ट प्रिफरेंस आपका अपना दे चुका हूँ, ठीक है, पूरा क्लियर दे चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैप्चा जो है, कैप्चा देख करके इसमें फिल कर लेना है, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिक्लेरेशन लगेगा कि आई हियर बाई डिक्लेयर डैट आई हैव केयरफुली एंड करेक्टली फिल्ड द माई परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंड डैट आई विल नॉट एबल टू चेंज द प्रायोरिटी आफ्टर कन्फर्मेशन। जब आप कन्फर्म कर लिए हैं कि मतलब यही प्रायोरिटी देना है, तो आप इसको मतलब अब इसको सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, या अभी चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके चेंज कर लें फिर से देख कर, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एक बार ही आपको ध्यान से डालें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ टिक करके कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मेरा क्लियर है तो इसलिए टिक कर दिया, उसके बाद मैं कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब आएंगे आप पेमेंट पे, ठीक है, कि पेमेंट करने के लिए पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यार बैंक या डाक घर से भुगतान कर सकते हैं, मतलब बैंक से भी कर सकते हैं, डाक घर से कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैं अप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप अप्लीकेशन फ़ी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ जो भी आपका मतलब फ़ी होगा, जैसे SC ST वाले के लिए यहाँ 250 दिखाएगा, पर OBC और जनरल वाले के लिए शायद 500 रुपये दिखाएगा, ठीक है। तो वहीं पर पेमेंट मोड आपको चूज करना है, पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो मैं बैंक से करना चाहूँगा, तो आप लोग भी मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी बैंक ही चूज करें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सी प्रॉब्लम होता है, यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बैंक वाला मामला में उतना लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद बैंक चूज करके बैंक इस पर टिक कर देना है आपको, टिक कर के आप क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। फिर तो ओपन हो रहा है, तो जब आप क्लिक फॉर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब आएगा, ठीक है। मतलब किससे आप करना चाहते हैं, मतलब ATM क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, किसने करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा डेबिट कार्ड है, पे आएंगे तो यहाँ पे कार्ड पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो कार्ड पेमेंट में आपको डेबिट कार्ड से अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के पास रुपए होता है, मतलब किसी के पास भी हो डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक किया यहाँ पे कर देना है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका सामने जो रेफरेंस नंबर आपका जो 500 रुपये अमाउंट है वो सब दिखाई देगा, ठीक है। पेमेंट मोड एड, यहाँ पर आपको कन्फर्म अप कर देना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कन्फर्म पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब फिर एक बार आपको फिर कंफर्मेशन के लिए आएगा, तो फिर कंफर्म पर क्लिक कर देना है आपको। तो आप अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा सबमर्जेंट ने मतलब ये सब ट्रैकिंग आईडी सब लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कार्ड नंबर, यहाँ एक्सपायरी डेट जो वैलिडिटी डेट है लास्ट वाली वो डालना है, यहाँ मंथ है और यहाँ ईयर, यहाँ कार्ड होल्डर नेम जिसके नाम से वो कार्ड बना हुआ है उसको नाम डालना है, यहाँ CCV के लिए देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ATM के पीछे जो 3 अंकों का कोड होता है उसी को कहते हैं CCV, ठीक है। और टाइप ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है आपको कैप्चा, इसको यहाँ फिल करके आपको पे पर क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं अपना फिल कर ले रहा हूँ, ओके। तो जब आप पूरा डिटेल लाएंगे तो आपका ATM जिस भी मतलब डेबिट कार्ड जहाँ का भी होगा, जैसे रुपये का है तो मेरा रुपये यहाँ लिख रहा है ऊपर में लिखेगा यहाँ, ठीक है।
यहाँ पे सारी डेट मैंने डाल दिया है, नाम पता सब डाल दिया, ठीक है। कैप्चा डालकर आपको पे पर क्लिक कर देना, तो मैं पे पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग करते जाइएगा, फॉर्म का नो रिक्स है, एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मेरा OTP आ चुका है, ठीक है। तो इसी अकाउंट मतलब नंबर है जो उस जो आपका बैंक में नंबर होगा, उसी नंबर पे जो बैंक में आपका लिंक नंबर होगा उसी नंबर पे आपको एक OTP आएगा। तो OTP यहाँ डाल के आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैंने जो OTP आया है उसको मतलब फिल कर लिया हूँ, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देना। अगर OTP ना आए तो रिसेंट OTP पर क्लिक कर देना, ठीक है। कुछ देर आपको वेट करिए, ठीक है। मेरा तो जल्दी आ गया, पर सबका ऐसे ही आ जाता है। नहीं आए तो रिसेंट OTP पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है, 10-15 सेकेंड के बाद। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना, मैं सबमिट पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बीच में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है अपना, आप मतलब ये 10 सेकंड के अंदर आपको ये हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शायद काम आए। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभी तो फी भुगतान हो गया, तो फिर आपको ले जाएगा अतिरिक्त विक्रम मतलब एडिशनल में, मतलब आपको पूरा एड्रेस वड्रेस यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर आप क्लिक कर देता हूँ। तो जब आप पे कर देंगे फिर पेमेंट हो जाएगा। आप अगर एडिशनल डिटेल पाएंगे तो आपके सामने देखिए, जैसा कि योग्यता आपने पहले ही चीज कर रखा है, बोर्ड किस बोर्ड से अप्लाई किया है सब, ठीक है। स्टेट विच स्टेटेज मतलब ये सब आपको फिल करना है। देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट मतलब मार्क्स कितने आए हुए हैं वो करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका करना है सेलेक्ट किस राज्य में पढ़ाई की हो, तो बिहार में पढ़ाई के लिए पूछ रहा है, जहाँ मतलब आपका चल रहा हो क्वालिफिकेशन मतलब यूँ जिस किस जिला में, तो जिले में तो जिस जिले से आप पढ़ाई किए हों उस जिले को आपको टच कर देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ाई किए हों जिस बोर्ड में आपका स्कूल है वो उसका चूज करना है। ओके, और यहाँ पे अब यहाँ पे पूछ रहा है मार्क्स मतलब CGPA में है या परसेंटेज, परसेंटेज मेरा है तो परसेंटेज बिहार बोर्ड से हूँ, ठीक है। परसेंटेज आपको यहाँ 10th का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज नहीं निकालने आ रहा हो तो आपका जितना फुल मार्क्स है उसका मतलब उसका डिवाइड दें, मतलब जो आपका नंबर पूरा आ रहा है उसका गुना सब करके नीचे जितना आपका फुल मार्क्स एग्ज़ाम में है, मतलब जिसका आया हुआ है वो नहीं, जितना फुल मार्क्स आपको पेपर का है उसको नीचे डाल देना है। जैसे कि मेरा पूरा पेपर 500 का होता है, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा 308 आया हुआ था मैट्रिक में, ठीक है। 308 × 100 कर देना है यहाँ पे, बटा में जितना मतलब 500 का पूरा पेपर होता है, तो यहाँ पे 500 कर देना है, और उसके बाद इक्वल कर देंगे आप तो आ जाएगा मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही कर देना है। अब आगे पूछ रहा है डू यू ITI क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, मतलब आपके पास ITI योग्यता है, यस है तो यस करें, नहीं तो नो करें। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नो पर क्लिक करूँगा। यस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा डिटेल पूछा जाएगा ITI का, ठीक है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। ITI वाले अपना पूरा डिटेल डाल सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर कह रहा है डिटेल्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन उच्च योग्यता का विवरण, मतलब इससे आगे भी आपने पढ़ाई की हो तो उसके लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है पोस्ट ग्रेजुएट हैं या अदर्स, तो अदर्स पर क्लिक कर दूँगा। योग्यता स्ट्रीम क्या मतलब है, तो साइंस है। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन होगा कुछ आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन टाइप मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर 12th पास हैं तो 12th पास मतलब उसके लिए अदर्स पर क्लिक करना होगा। तो अदर्स पर क्लिक करके यहाँ पे 10+2 लिख लीजिए या कुछ भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 10+2 PCM लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे योग्यता स्ट्रीम मतलब आप उस योग्यता से हैं तो किस स्ट्रीम से हैं, तो साइंस से, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आपको जिस भी मतलब जिस भी आपके स्ट्रीम से हैं वो अपना लिखना है। यहाँ पे मदर टंग चेंज कर लेना है आपका जो भी हो। आपको अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त परीक्षा का चुनाव, मतलब आप किस भाषा में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मेरा हिंदी है तो इसलिए कंफर्म कर देना, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म भी करना है कि मतलब आप हिंदी में ही देना चाहते हैं। यहाँ पे अपना पता लिख देना है, जैसे यहाँ पे विलेज लिखना है, मेरा सब अपना पूरा पता लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ स्टेट यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पिन कोड यहाँ निकटतम शहर जो आपके आसपास में शहर है उसका नाम लिख देना है। क्या है आप सिटी या टाउन विलेज क्या है मतलब किससे हैं, तो वहाँ पे चीज कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ चीज कर देंगे, यहाँ पे अपना विलेज डाल लीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल लीजिएगा, यहाँ पुलिस स्टेशन डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये सब दे ही रहा, ठीक है। तो मैं अपना फिल कर ले रहा हूँ। वैसे ही आपको यहाँ पे पहचान अपना दे देना है कि मतलब क्या पहचान है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको CVT मतलब आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे उसको लेकर आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना होगा फर्स्ट, मतलब जो सीटी देंगे आपको। तो मैं आधार कार्ड चीज़ कर लूँ, ठीक है। आपको जो भी ले जाना हो वहाँ की कर सकते हैं, कंफर्म कर दिया यहाँ पे।
जो आप चूज करेंगे यहाँ पर उसका नंबर देना होगा, तो मैं अपना यहाँ नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबर देने के बाद आपको क्या करना है, बैंक खाते का विवरण जिसमें धन वापसी की जानी है। क्या आप उसी खाते में धन वापसी की राशि प्राप्त करना चाहेंगे, मतलब जिससे आप पेमेंट किए हुए हैं उसी में करना चाहते हैं, तो मैं तो यस करूँगा, ठीक है। या कैफे वाले आप अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको इसे नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करके आपका जो बच्चा है, मतलब कोई भी, मतलब जो ऑनलाइन करा रहे हैं उनका, आप वहाँ पर खाता धारक का नाम दे देना है, उनके अकाउंट डिटेल्स पूरा यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। या खुद से भी करना चाहते हैं, अगर दूसरे से भी पेमेंट करवा रहे हैं तो फिर तो आपको अपने खाते में चाहिए, तो अपना खाता के डिटेल्स यहाँ नो पर क्लिक करके अपने खाता के डिटेल्स दे दें, ठीक है। या अन्यथा अगर अपने से आप कर रहे हैं, मतलब खुद से कर रहे हैं, खुद के बैंक से और खुद ही लेना चाहते हैं, तो यस कर दें, ठीक है, मतलब मेरा इसी में चाहिए। और एक और बात यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है, कि मतलब अपना जो खाता नंबर है वो डालकर दोबारा दो बार क्या 3 बार मिला लें, ठीक है, अच्छे से मिला लें, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि रिफ़ंड की विफलता के लिए रेलवे जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है। मुझे तो ये सब भरना नहीं है, मुझे यस पर क्लिक कर देना है कि मेरा उसी खाते में चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ फिल कीजिएगा, तो अच्छे से फिल कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पे नीचे आने के बाद कह रहा है कि क्या आप परीक्षा में अपने अंकों को रेलवे द्वारा अन्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संगठनों के साथ उनके संगठनों में भर्ती के लिए साझा करने के लिए सहमत हैं। जो मतलब आप अंक लाएंगे वो प्राइवेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में देने के लिए सहमत हों, तो यस पर करें, नहीं तो नो करें। मैं तो यस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो मर्जी, अगर साझा करना चाहते हैं तो यस पर करें, नहीं करना चाहते हैं तो नो क्लिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। करने से भी, यस पे भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, नो से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ अपना कैप्चा डाल करके, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वहाँ पे, यहाँ पे उसको यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं कर ले रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने ऊपर में पूरा सही सही फिल कर लिया है, अगर आप एक बार मिला भी लीजिएगा, ठीक है, अपना अपना मिला लीजिएगा, उसके बाद इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। एक और बात आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, जैसा कि अदर हायर क्वालिफिकेशन टाइप मस्ट बी कोटेड लेटर्स ओनली, मतलब जो यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे अदर्स में, अदर क्वालिफिकेशन में यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10+2 मतलब अंकों में नहीं लिखना है, अपना अक्षरों में लिखना है, ठीक है। तो अक्षरों में इंटरमीडिएट साइंस या आर्ट्स हो तो आर्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है, अक्षरों को यहाँ नहीं प्रदर्शित करना है, ओके। एक और बात बताना चाहूँगा, वहाँ पे कोई आप स्पेस का यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल मतलब नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेटर्स और नंबर मतलब संख्या में लिख सकते हैं, आप कोई मतलब एरो का चिन्ह या मतलब ये सब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। प्लस का चिन्ह, विलेज मतलब विलेज के बाद वहाँ जो स्पेस वाला बटन है स्पेस दबा सकते हैं, लाइनिंग वाला जो बटन होता है ऐसे ऐसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है, या ये भी नहीं दे सकते, कोई भी चिन्ह नहीं यूज कर सकते हैं, नंबर्स और लेटर्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आएंगे फोटोग्राफ पे, तो फोटोग्राफ पे आपको क्या करना है देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपको फोटोग्राफ होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, तो फोटो यहाँ से अपना फाइल से लेना है, और यहाँ जो सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 40 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। वो दोनों अपलोड करने के बाद आपको यहाँ टिक कर यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, जैसा कि मैं कल के दिखा दे रहा हूँ, ओके। तो जब आप चूज करके यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ दिखा देगा कि फोटो दिखाया जाए, ठीक है। आप टिक भी मार देगा कि सही है, अपलोड हो गया है, ठीक है, टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, टिक कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने आपका फोटो दिखाएगा, यहाँ सिग्नेचर दिखाएगा, ये सब कह रहा है कि मतलब आप कन्फर्म है कि ये सही है, तो आप इस कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, तो मेरा सही है तो मैं सही कर क्लिक कर दूंगा। जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम लिखेगा यहाँ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब ये आपका प्रिंट मतलब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो दिखाई देगा आपका, यहाँ पे सब लिखेगा अपना, ठीक है, और एक फादर का आपका कितना एज हो रहा है वो भी यहाँ पे बता देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जैसे ही नीचे जाएंगे ये सब आपका एड्रेस दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर, बैंक डिटेल्स, यहाँ क्या क्या पास किए हैं, कहाँ से हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे जाएंगे तो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाएगा, मदर टंग दिखाएगा, आधार कार्ड का यहाँ नंबर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपका पोस्ट परफॉर्मेंस प्योरिटी आपका दिखाई देगा वहीं पर, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो यहीं पर मैं प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर ले रहा हूँ अपना, तो यहाँ PDF कन्वर्जन में होगा, तो PDF में यहाँ पर कर करके आपको किसी भी फाइल में आपका नाम लिख करके या कुछ भी कर करके यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डन कर दे रहा हूँ ऐसे ही, तो फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी भाई लोग अपने से अप्लाई कर सकें, ठीक है। अभी डेट आपका लास्ट डेट 12 अप्रैल तक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी आप फंसते हैं ऑनलाइन करने में, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ओके। और हाँ, एक और बात, NTPC का भी मैंने बता दिया है, NTPC का लास्ट डेट 31 तक है, और उसका भी मैंने फॉर्म कैसे भरना है उसका भी बता दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है।
और इसका भी डायरेक्ट लिंक और मतलब ऑफिशियल लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से कैसे क्या करना है सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।